और चलिए बात अब हरियाणा की करते हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट स्पीच पढ़ने के लिए, बजट की पूरी जानकारी देने के लिए तमाम विधायकों को हरियाणा सरकार ने टैब दिए, लेकिन अब इन्हीं टैब को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पहली बार सूबे के बजट को पेश किया। विधानसभा को डिजिटल युग की ओर बढ़ाते हुए सरकार ने सभी विधानसभा सदस्यों को बजट की जानकारी के लिए टैब दिए, लेकिन अब टैब को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल ये टैब चाइना से मंगवाए गए हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग वुहान शहर में हुई। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर जहां पर हुआ है। हरियाणा विधानसभा में विधायकों को बजट स्पीच पढ़ने और बजट की पूरी जानकारी देने के लिए ये टैब दिए गए थे, लेकिन ये टैब जो है वो चाइना से बनकर आए हैं। चाइना में वुहान शहर, जहां पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा व्यापक तौर पर फैला हुआ है, वहां पर ये टैब बने हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर है। आप देखिए, यहां पर सीधे तौर पे लिखा गया है कि वुहान सिटी चीन में इन टैब को बनाया गया है और इसके अंदर बजट स्पीच हरियाणा सरकार ने फीड करवाई और उसके बाद तमाम विधायकों को ये टैब दिए गए कि वो इस टैब के माध्यम से बजट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ ले सकें। अब कांग्रेस ने सदन में सरकार से जब पूछा कि आपने जो टैब दिए हैं सैनिटाइज करवाए थे या फिर नहीं, नहीं वो तो एज ए लेमैन ही इज नॉट, उन्होंने कोई जवाब एक कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं दिया। इन्होंने उसको मजाक में उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि इसमें तो यही है कि आप केवल नमस्ते करें। ये क्या जवाब है? यू आर अ मिनिस्टर, यू शुड गिव अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। व्हाट द प्रिकॉशनरी मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, बाय द गवर्नमेंट। सदन में कांग्रेस के सवाल का सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मजाक उड़ाते नजर आए और कहा कि आप किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते किया करें। नहीं नहीं, वो उनके सवाल के जवाब में नहीं कहा मैंने, वो किसी और सदस्य के कि कैसे इससे बचा जाए। तो इससे बचने का अभी तक एक ही तरीका है कि आप किसी के संपर्क में ना आए, और अगर आपने अभिवादन भी करना है तो जो भारतीय पद्धति है जो हाथ जोड़कर अभिवादन करने की, वो पद्धति अपनानी चाहिए। यही इसका एकमात्र तरीका और सारे संसार को इसको मानना पड़ेगा। गीता भुक्कल ने सदन में पंजाब के युवाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन को कोरोना वायरल की वजह से हुई देरी का भी जिक्र किया। पता चला पंजाब की विधानसभा में, जबकि वो कह रहे थे कि मोबाइल उनको स्मार्टफोन्स दिए जाने थे, शायद उस पर भी रोक लगाई है। तो देखो, ये चिंता का विषय ना कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, ये तो गंभीरता से किसी इशू को नहीं लेते। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन में हो रही देरी के पीछे चीन में फैले कोरोना वायरस का हवाला दिया था, जबकि सदन में कैप्टन के बयान के बाद विपक्ष ने खूब बवाल काटा था। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18।